जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह और शाम, ये मेरे को वीडियो बनाते बनाते किसी फिल्म के जो है सॉन्ग है वो याद आ गया। सो दोस्तों, मैं ये जो आपके लिए साथ बात करना चाहता हूँ ये भी इसी टॉपिक के ऊपर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया। फैक्ट्री का मजदूर 6 रुपये दिन पे कमाता था और पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक दिन भी कॉलेज में नहीं गया, सारी जो एजुकेशन है वो प्राइवेट करता रहा। तो मैं इसीलिए आगे बढ़ता गया कि मैंने ज़िंदगी में खड़ना नहीं सीखा, रुकना नहीं सीखा, मैं लगातार चलता गया। पानी भी यदि खड़ जाए तो उसमें से बदबू आती है, स्टैग्नेंट वाटर लूजेज इट्स प्योरिटी ये कहा जाता है कि जो चीज़ रुक गई वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो जो आदमी रुक गया तो इसका मतलब है उसकी ग्रोथ रुक गई, और जिसकी ग्रोथ रुक जाए वो आदमी कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी तरीके से जो आदमी की ज़िंदगी में मूवमेंट रुक गई, हरकत रुक गई, तो हरकत में आगे उसके में बरकत आ ही नहीं सकती, हरकत में ही बरकत है। सो दोस्तों, जो आदमी कंटिन्यूसली चलता है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जिस आदमी की आंखें खुली हों और पांव हरकत में हों, पांव मूवमेंट में हों, तो वो आदमी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएगा। सो आपने ये देखना है कि हमने अपने आप को एक जगह पे रोक नहीं लेना, क्योंकि मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड, जो बिना जुनून नहीं सुकून, उसमें ही बोला कि सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू स्टैग्नेशन। जो आदमी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो गया तो वो आदमी ज़िंदगी में रुक गया, और जो रुक गया वो सूख गया, मतलब पंजाबी में कहते सूख गया, मतलब ख़त्म हो गया वो। तो रुकना नहीं है, चलना है, चलते रहना है। फिल्म का जो बहुत बढ़िया गाना है ये, चलते रहो सुबह और शाम, इसको याद रखना है, इसको गुनगुनाते रहना है। यदि आपकी ज़िंदगी में इसी तरह की मोमेंट चलती रहेगी तो आप 100% इस ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। ये ज़िंदगी आपके एंजॉय करने के लिए है, आपके जीने के लिए है, आपके लिए काटने के लिए नहीं है। क्योंकि 3 तरह की ज़िंदगी मैं अपनी किताब में बोल चुका हूँ, लाइफ ऑफ सर्वाइवल है, लाइफ ऑफ सक्सेस है, और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब आपके पास टाइम भी है और खर्चने के लिए पैसा भी है। ये तभी आएगी यदि आप अपनी ज़िंदगी में रुकोगे नहीं। जिस दिन रुक गए तो उस दिन आपकी जो ग्रोथ है वो सारी रुक गई, कि आप ख़त्म हो जाओगे। तो मैं फाइनेंशियल एजुकेशन में ये कहता हूँ, जो आदमी पैसा कमाने में रुक गया या चूक गया वो आदमी कर्जे में आएगा ही आएगा। जो आदमी पैसा कमा नहीं सकता, जो आदमी पैसा जनरेट नहीं कर सकता, उस आदमी को पैसा खर्चने का कोई हक नहीं है। सो इसलिए आपने चलते रहना, चलते रहोगे आपके साथ काफला बनता रहेगा। यदि आप रुक के घर में पड़े रहे तो आपको कोई हाल पूछने भी आपका नहीं आएगा। सो दोस्तों, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करिए, अपनी तरक्की करें, अपने परिवार की तरक्की कराएं, अपने समाज की तरक्की कराएं, अपने देश की तरक्की कराएं। इसी में हम सबका भला है, इसी में सारी दुनिया का भला है, इसी में इंसानियत का भला है। कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके उन नंबर पर हम मेरी टीम के साथ बात कर सकते हो, अपना सवाल रख सकते हो। तो आपके जो काफ़ी समस्या प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्या होती है वहाँ हम जवाब देते हैं उनका, जिसको जिस तरीके की भी समस्या हो हम उस तरीके का हल ढूंढ के उनको देने में कोशिश करते हैं। जो आदमी समझदार है वो दूसरे के तजर्बे से सीखता है, और जो आदमी समझदार नहीं है वो आप तजर्बे करके गलतियां कर करके सीखता है। यदि आप दूसरे के तजर्बे से सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ो। मैंने 28 साल इस धंधे को दिए, इस बिजनेस को दिए, वो सारे का सारा जो मैंने अपना जो तजर्बा है सारे का सारा यूट्यूब चैनल पर मेरा पड़ा है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ, आप अपना ध्यान रखें, मैं आपको नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हूँगा जल्दी।